हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं गांव में एक रिलेटिव की शादी में। ये है मेरी मम्मा, जो हम दोनों बहनों को कोसते हुए कि अब तो सबकी शादी हो गई है खानदान में, तुम कब करोगी। और हम दोनों बहनें वही बेशर्मों वाला फेस बनाते हुए कि कौन पड़े इन झंझटों में। और इसके बाद हम निकल पड़े ऐसे ही चिटचैट करते हुए अपने सफर की ओर। ये वीडियो थोड़ा रॉ है क्योंकि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को मैंने कंपाइल करके एक व्लॉग बना दिया है, क्योंकि मैंने ये वीडियो व्लॉग के पर्पज से शूट नहीं किया था। तो कुछ लोगों के मुझे डीएम आए थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, तो उन सब के लिए मैंने ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज इस बार एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम प्रॉपर व्लॉग डालूंगी। तो हम जा रहे हैं अलीगढ़, और अभी आगरा ही पहुंचे हैं, लगभग आधा रास्ता कंप्लीट किया है। अभी भी अलीगढ़ पहुंचने में हमें काफी टाइम लगेगा। हम सुबह 10 बजे निकले थे और शाम के लगभग 6:30 बजे तक हम पहुंच पाएंगे। शादी में मेरा लुक कुछ ऐसा था और लीना ने पहना था जंपसूट। दोनों ही शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर है, उन दोनों वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर लेना। रेडी होके हम सीधे शादी वाली जगह पर पहुंचे तो देखा गांव में डीजे पर डांस करने का सबको बहुत क्रेज था, तो सब औरतें वहां पे डांस कर रही थी। ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी। और ये बेचारा डॉगी इंतजार कर रहा था कि खत्म करो ये सब और खाने पीने चलो। बढ़ती थोड़ी ही देर में वहाँ बारात आ गई थी और दूल्हे के वेलकम में सारे घर के बड़े वहाँ पे आगे खड़े हुए थे। उसके बाद मैं और लीना बहुत थक गए थे तो हम दोनों सोने चले गए थे। दुल्हन की पिक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट डे हम गए अपने मासी के घर पे। ये है मेरी मासी का घर और ये है छोटे भैया के, ये दोनों क्यूट सी लड़कियां हैं उनकी। दोनों ही बहुत खुश थे हमारे आने से, स्पेशली गीतिका, शी इज सच अ क्यूटी पाई। फिर हम भैया के गोडाउन पर घूमने के लिए गए। ये है उनका गोडाउन, बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सामान होता है लाइक ट्रैक्टर्स और फार्मिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर उनका स्टोरेज भी है, जो आलू और अनाज होते हैं उन्हें स्टोर करके रखते हैं यहाँ पर। और फिर मैंने ट्रैक्टर पर बैठकर अपना शौक पूरा किया, 2-4 फोटोज भी ली। उसके बाद मैं गई टेरेस पर और लुक एट द व्यू, इतनी ग्रीनरी है, इतना खूबसूरत लग रहा था, आंखों को बहुत सुकून मिल रहा था। शहर में कहाँ देखने को मिलती है इतनी ग्रीनरी, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। उसके बाद भैया ने मुझे बताया कि आलू की खेती किस तरीके से करते हैं। उन्होंने मुझसे अपनी कुछ वीडियो शेयर करी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी प्रिपेयर करते हैं, उसे इस तरह से लेवल करते हैं, फिर ये छोटे छोटे आलू जो कि एक बीज है इसे 6 से 7 लोग इस तरह से डालते हैं और 100 दिन में ये हमारे आलू बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बीज से लगभग मिनिमम 30 से 35 आलू बनके तैयार हो जाते हैं, मैक्सिमम तो और ज़्यादा जाते हैं। इन्हें ट्रैक्टर से इस तरह से खोद कर फिर निकाल लेते हैं। इन आलूओं को पास के कोल्ड स्टोर में पहुंचा दिया जाता है, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस होता है, है ना अमेजिंग। इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग कई महीने लग जाते हैं और मैंने आपको चंद सेकेंडों में पूरी प्रोसेस दिखा दी है, तो एक लाइक तो बनता है। ये हमारा 3 दिन का ट्रिप बस इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप शाइनिंग।